काम में। सातवां तो मैंने पढ़ा दिया, आठवां नौवां में पढ़ाऊंगा, ट्राई करेंगे उसको टाइम पे समाप्त करने का। हरे कृष्णा। तो ये आठवां अध्याय जो है इसमें बेसिकली सातवां आठवां और नौवां, सातवें आठवें में जितने भी छठे अध्याय के लैडर बना हुआ है, लैडर यानी जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इसका लैडर छठे अध्याय तक बना हुआ है। लेकिन भक्ति योग में जहां भक्ति प्रधान है, ये सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें अध्याय में आता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे छह अध्याय जो इसमें भक्ति प्रधान है और अन्य सब गौण है, तो भक्ति प्रधान होने के कारण उसको प्रधानीभूत भक्ति कहते हैं, कि प्रधान में भक्ति है, मतलब वो प्राइमरी है। और जैसे हम लोग कभी कभी मिठाई बनाते हैं, शंकर पाली बोलते हैं महाराष्ट्र में, शंकर पाली जैसे छोटा छोटा होता है, जैसे हमको मायापुर में मिलता है तो उसको छोटा छोटा ब्लॉक होता है, आटे का बना होता है, वो उसको पाक में डालते हैं, तो वो उसमें मीठा ज्यादा होता है, हालांकि उसमें नमकीन भी होता है, लेकिन नमकीन गिनती नहीं होती वहां पे मिठाई की गिनती होती है। वैसे भक्ति में एक बार आपने भक्ति कर दिया तो भक्ति की गिनती होती है, उसमें फिर आप कर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन पहले जो छह चैप्टर पढ़े उसमें भगवान अर्जुन को लेके जा रहे हैं कि भाई कर्म करो, अपने अपने कर्तव्य करो, अपने अपने दायित्व करो। ये कर्म आते कहाँ से हैं? उनके गुणों से आते हैं। जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके कर्मों से आते हैं, और उसके जो गुण है स्वभाव बन चुका है, जैसे कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, तो हर एक अपना स्वभाव है, उस स्वभाव से उसके कर्म ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो ऑलरेडी बंधन में ही है, क्योंकि वो स्वभाव ही उसको खींचेगा। वो नहीं भी चाहेगा तो लास्ट में अगर कोई और भी काम करेगा तो उसका स्वभाव ही उसको सवाल करेगा, अरे ये मेरे, मुझे लगता है मैं इसके लिए बना, इसको फील आएगा। लेकिन जब वो उस स्वभाव पे काम करने लगेगा तो उसको आने पता चलेगा, अरे मैं इसके लिए नहीं बना हूं क्योंकि मेरा तो स्वभाव आत्मा का है। तो एक्चुअली जब वो अपने मटेरियल स्वभाव के ऊपर स्थित हो जाएगा तो अगला विचार आएगा। अगर वो यही नहीं कर रहा है तो वो विचार तो आने से दूर रहा, यही यही फंसा फंसा रहेगा। इसलिए आजकल मॉडर्न जमाने में आप लोगों को देखेंगे तो वो ऐसे फंसा हुआ अनुभूति करते हैं। तो जो सातवां अध्याय प्रधानी भूत भक्ति है, प्रधान में भक्ति है, तो हमने शुद्ध भक्ति आपने सातवें अध्याय में देखा होगा, फिर उसमें कर्म मिश्र भक्ति, अब हम लोग इस अध्याय में योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति भी देखेंगे। तो आइए आठवें अध्याय में जाते हैं। ये ब्रेकडाउन है, तो इस ब्रेकडाउन को समझ लीजिए कि आठवें अध्याय में 28 श्लोक है, ऐसे बाकी टीचर ने वैसे पढ़ाते हैं इसी नोट से पढ़ाते। तो आठवें अध्याय में 28 श्लोक हरे है। कृष्णा प्रभु जी, हाँ अंतिम बोर्ड वगैरह थोड़े ही होते हैं जी। क्या हो रहा है, चमक रहा है, हाँ थोड़ा सा लाइट ऑफ करेगा तो मैं कैसे दिखेगा? नहीं दिख तो रहा है ना प्रभु, प्रभु, इतने अच्छा प्रभु जी क्लियर सब ठीक है, है प्रभु दिख जी रहा है दिख आकाश, रहा है। प्रभु दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ी देर में आपको मुझे ही देखना है, ये थोड़ी देर के लिए बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आकाश को, दिख रहा है। थोड़ा सा आप कुछ तो जुगाड़ करो। तो आठवें अध्याय में 28 श्लोक है, 28 श्लोक में पहले 4 श्लोक जो है उसमें अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, आदि आत्म क्या है, आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है, से बहुत कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ब्राह्मण क्या है। तो ये सवालों का जवाब कृष्ण जो है वो देने वाले हैं। पांचवें से नौवे में कृष्ण को अंत समय में इतना तो कर ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी कि गोविंद का नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। तो ये जो लाइफ का एक्चुअल आर्ट ऑफ डाइंग है, यहाँ पे हम मरते नहीं, हम जीते हैं, लेकिन प्रभु जाते जाते मैं ऐसा ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं और किसी और चीज का चिंतन कर लूं और मैं चले जाऊं। तो ये पूरा जीवन एक प्रिपरेशन है भगवान को याद करने का, अंत समय में भी भगवान को स्मरण करने का एक एग्जाम्पल है। अभी भी हमारे एक टीचर हैं, तो उनके जो मदर है वो 91 ईयर्स की थी,
उनके हस्बैंड को 2-3 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन उन्होंने, उनके घर पे सीताराम लक्ष्मण जी हैं, उनका जो सेवा है उन्होंने बंद ही नहीं किया। वो कहते थे राम नहीं है तो मैं नहीं हूं, इतने लेवल की भक्त थी वो। उनकी बेटी सब बेटा बोलते रहे कि आप हमारे घर आ जाइए शहर में, बोले नहीं यही तो मेरे प्राण है, अंत तक वहीं रहे। आखिर में सब उनके बच्चे वहां आए और जब उन्होंने देह त्यागा तभी वो राम का ही स्मरण कर रहे। तो अंत में क्या होगा अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं, वो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं अपने शब्दों में, अंत काले च मामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्व संशयः। तो ये, और नहीं याद करेगा तो वो जिसको याद करेगा वहां क्या होगा वो सब बताया। वो सब साइकिल हम लोग एनर्जी लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे हम सब देखेंगे। 5 से 9, 10 से 13 योग मिश्र भक्ति है जो है ना। योग मिश्र भक्ति मतलब जहां पे भक्ति प्रधान है परंतु योग के माध्यम से व्यक्ति जो है वो अपना प्राण छोड़ना चाहता है। तो अभी हम सब इसे भागवत का भी अध्ययन कर रहे थे, तो आपको पता होगा अध्ययन में कि जो योगी है जिसका भक्ति प्रधान है तो कैसे कैसे आप उसके उसका जो विकास होते हुए वो चले जाता है। एक्चुअली ये स्वर्ग को पार करके महरलोक जाते हैं, महरलोक से ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक से एक्चुअली वो ब्रह्म ज्योति करके फिर अगर वो वैकुंठ जाना चाहते जा सकते हैं, ऐसा एक प्रोसेस है। तो वो योग मिश्र भक्ति है उसका, उसमें बताया है ना उत्तरायण में जाएगा तो क्या होगा, दक्षिणायन में जाएगा, प्रयाण काले उत्तरायण, षण्मासा उत्तरायण, ऐसा बताया जाएगा। 14 से 16 में शुद्ध भक्ति का वर्णन है कि उसमें शुद्ध भक्ति का स्थान कहाँ है, क्योंकि एक्चुअली हम भक्ति तो कर रहे हैं परंतु अगर हम ऐसे मिश्र करेंगे कर्म का मिश्र करके, कर्म मिश्र भक्ति मतलब क्या, जहां पे अपने कर्म को, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कर्म गुणों के साथ कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। जैसे आप ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण कर्म करके ही भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हो गया कर्म मिश्र भक्ति। और उसमें जब आपने छोड़ दिया कि ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, मैं न ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय हूं न वैश्य हूं न शूद्र हूं न मैं सन्यासी हूं न वानप्रस्थ, मैं केवल प्रभु आपका सेवक हूं, बोलो क्या आ गया, तो वो हो गया शुद्ध भक्ति। सिंपल एक लाइन। अगर आप ये कह रहे हो कि प्रभु मैं शक्तिशाली हूं तो मैं केवल यही वाला सेवा आपके लिए करूंगा, तो ठीक है भगवान सेवा तो स्वीकार कर रहे हैं, वो गुणों के प्रभाव आपके ऊपर अभी भी है, त्रिगुणातीत स्थिति में आने में थोड़ा समय लगेगा परंतु वो स्वीकृत है तो कोई दिक्कत नहीं है। और निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग, ध्यान योग, ध्यान योग से सभी भक्तियों के टाई हाईएस्ट पे आने में ज्यादा समय नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुद्ध भक्ति का वर्णन हो 17 से 22 में कंपेयरिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो दो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है इनकी तुलना होगी, वहां क्या है यहाँ क्या है। उसके बाद 23 से 28 में जो भगवान की जो भक्ति है ये मार्ग सबसे श्रेष्ठ क्यों है उसके ऊपर चर्चा होगा। तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग प्रार्थना लेके इन श्लोकों में प्रवेश करेंगे। अच्छी ओके, आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, आज तो स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं ताकि भगवान और प्रभुपाद जी हमें सामर्थ्य दे कि हम ये विषय पे चर्चा कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम सब हरे कृष्णा। पूछने के लिए तो आप सब पहला अध्याय, 8वां अध्याय का पहला श्लोक खोल सकते हैं। पहला श्लोक अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदि अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधि दैवम किम उच्यते। अर्जुन इंक्वायर्ड। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदी पढ़ूंगा ना तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन में टाइम लगेगा, थोड़ा इंग्लिश पढ़ता हूँ, आदत बन चुका है। कमी है पर है, क्या करेंगे, यहीं से पढ़ा है तो इसको फास्ट ग्रेस्प होता है। अर्जुन इंक्वायर्ड ओ माई लॉर्ड ओ सुप्रीम पर्सन व्हाट इज ब्रह्मन व्हाट इज द सेल्फ व्हाट आर फ्यूटिव एक्टिविटीज व्हाट इज द मटेरियल मैनिफेस्टेशन व्हाट आर द डेमिगॉड्स प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी नाउ। एक्सप्लेन दिस टू मी इंग्लिश है ना, नहीं तो वो रखो नहीं, हाँ वो जो करना पड़ा। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे सवाल पूछे हैं अर्जुन ने। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, ये पूछने का कारण ये है कि पिछले श्लोक में यानी 7वें अध्याय के अंत में इसकी चर्चा हुई, तो कह रहे हैं ये बताइए हमें क्या है। स्वाभाविक है, गुड स्टूडेंट स्टूडेंट को इंक्वायरी करना चाहिए। ये कह रहे हैं आप जो ब्रह्मन जिसको संबोधित कर रहे हैं वो क्या है, ब्रह्मन पहला, सेकेंड आत्म क्या है, सेल्फ क्या है, और कर्म क्या है, कर्म क्या है, और फिर वो कह रहे हैं कि मटेरियल मैनिफेस्टेशन आदि भूतम ये जो दिख रहा है ये क्या है, एंड व्हाट आर द डेमिगॉड्स आदि दैवम की मुच्यते कौन क्या है ये देवता, ये कृपया करके मुझे समझाएं। तो बेसिकली ये सिंपल क्वेश्चंस हैं और भगवान उसको समझाने वाले हैं। जनरली लॉर्ड ऑल्सो एक्सप्लेन, ये सारा एक्सप्लेन करते हैं भगवान, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि पुरुषोत्तम से उनको संबोधित किया गया है, उनको पुरुषोत्तम नाम दिया गया है, पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया अर्जुन हैज एड्रेस्ड द सुप्रीम लॉर्ड एज पुरुषोत्तम सुप्रीम पर्सन विच मीन्स दैट ही वॉज पुटिंग दीज क्वेश्चन नॉट सिंपली टू अ फ्रेंड बट टू द सुप्रीम पर्सन नोइंग हिम टू बी द सुप्रीम अथॉरिटी एबल टू गिव डेफिनेटिव आंसर। तो अभी से पहले अगर आप पहला अध्याय देखेंगे तो भगवान भगवान को मधुसूदन ऐसे अलग अलग वर्ड यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कहा है पुरुषोत्तम, आप सबसे ग्रेट हैं, सभी पुरुषों में आप उत्तम हैं, नरोत्तम भी कहते हैं, आप सब नरों में उत्तम हैं, तो कृपया करके आप ये बताइए, क्योंकि आप तो जानते होंगे, हम भले ही लोग जानते हैं नहीं है, आप जानते हैं। फिर दूसरा श्लोक आता है अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम नेयो नेयोसी नियमात्मभिः। Who is the lord of sacrifice and how does he live in the body of Madhusudan? Oh Madhusudan, sorry. How does he live in the body? जो यज्ञ लेते हैं, जो स्वीकार करते हैं सेवा, वो कैसे रहते हैं? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? और जो आपकी सेवा में लगे हैं ये मधुसूदन, जो अपना सारा भौतिक इच्छाओं का और इधर के कार्यकलाप छोड़ के आपके चरणों में आए हैं, क्या आपको कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ यहाँ तो आ ही जाएगा आंसर। आदिभूत आदि देव यहाँ आंसर दे देंगे और इनका ही विस्तार हुआ है, खट 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 भी करेंगे। 8वां अध्याय है, समझ में आया? तो ऐसे 13वां अध्याय भी ऐसे ही है, वो सवाल पूछे क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है, ये क्या है, वो सबका आंसर 13वां अध्याय। ठीक है, तो ये वार्तालाप है, बहुत स्वीट है,
और बेसिकली आप लोगों ने अगर पहले 6 अध्याय सिंसियरली सुना है तो ऐसे कोई नया आंसर नहीं आने वाला है, लेकिन यही आंसर का एक एक एक, एक थॉट प्रोसेस है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है। जैसे आप देखते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, लेकिन भगवद गीता वैसे नहीं देखता, यानी भगवान वैसे नहीं देखते, इसलिए जब वो गीता में बोलते तो वैसे नहीं देखते, वो बोलते हैं कि हाँ ये जीव है। अब हम लोग क्या देखते हैं, अरे कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये टाइगर है, ये आदमी है, लेकिन भगवान क्या देखते हैं, अरे तो जीव है। तो भगवान जब उसको कुछ गाइडेंस करते तो उसके उद्धार के लिए गाइडेंस करते हैं, और जब हम किसी को गाइडेंस करते तो किसके लिए गाइडेंस करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसमें मेरा क्या प्रॉफिट है, मेरा फायदा क्या। वो क्या बोलते हैं उसको, एक मैनेजमेंट में ना MBA में एक वर्ड यूज आता है, NICE, नाइस, शायद ऐसे ऐसे कुछ तो है, नीड इंटरेस्ट कंसर्न और ई पर से कुछ तो है, कि आप उस बंदे का NIC, हाँ NIC, बस नीड इंटरेस्ट एंड कंसर्न देखिए, उसको अपनी तरफ आकृष्ट करिए। हाँ, इसलिए लोगों को प्रमोशन करना होता है, ब्रांड बनाना पड़ता है, ताकि और कुछ उनसे फायदा हो। तो ये जो है ये स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, भगवान कह रहे इसकी जरूरत है ही नहीं, इसका एक ही दर्शन है फाइनल, उस दर्शन को लेके चलो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर उस दर्शन को छोड़ के आप अपने दिमाग से जितना सोचते रहो जितना सोचते रहो, वो लास्ट में आपको आंसर आएगा ही नहीं, आपकी जिंदगी बीत जाएगी, उम्र बीत जाएगी, अगला जन्म बीत जाएगा, लेकिन वो आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये दर्शन है सिंपल। अब ये सबका आंसर भगवान बहुत स्वीटली देने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये कह रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे आचार्य जो है ना, इन सवालों को एक अलग एंगल देते हैं, इन्हीं सवालों को समझाने के लिए, कि अर्जुन और कृष्ण का जब संवाद होता है ना, तो ऐसा है अर्जुन जो सवाल पूछ रहे हैं तो भगवान उसके भौतिक वर्जन को भी समझ रहे हैं, आप उसके आध्यात्मिक अप्रोच को भी समझ रहे हैं, और अर्जुन इतने इतने स्पेशल हैं, जब भगवान आंसर कर रहे हैं तो अर्जुन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से, पॉलिटिकल रूप से, वर्णाश्रम के रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भगवान की दृष्टि से सभी इसे समझ रहे हैं। ये पावरफुल चीज है। तो यहाँ अभी क्वेश्चन पोज किया जा रहा है, क्वेश्चन ये पोज किया जा रहा है, वो कह रहे हैं, तो मैं पिछला और इसका मैं एक बार, जो हमारे नोट्स भी थोड़े हैं, तो यहाँ पे इस अध्याय में दो दो हैं, एक तो योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति, दो भक्तियों का यहाँ सम्मेलन है, लास्ट अध्याय में सभी थे, ठीक है। काम मतलब मिश्र भक्ति भी था, कर्म मिश्र भक्ति भी था, और शुद्ध भक्ति भी था, उसमें सब था। इस अध्याय में दो दो भक्तियों को बताया गया है, और क्योंकि पिछले अध्याय में ब्रह्मन शब्द आया था 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, समझे, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन जन्म लिया। कोई भी क्वेश्चन अचानक से नहीं जन्म लेने वाला है, उसका पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो यहाँ ब्रह्मन की जो बात आती है, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज फॉर पर्सन डिजायरिंग लिबरेशन, हाँ तो 7.29 में जो ब्रह्मन का डेफिनेशन था वो क्या था, ये सारा हटा दिया, ये बड़ा छोड़ तो यहाँ पे कहा गया है कि जो ब्रह्मन 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आया था, वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज फॉर डिजायरिंग लिबरेशन, तो जो लोग मुक्ति चाहते हैं तो उनके लिए वो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उनको प्राप्त करना है, ये ब्रह्मन शब्द आया था, इसलिए वहां से वो क्वेश्चन यहाँ पे अर्जुन को आगे की ब्रह्मन क्या है हमको बताइए, क्या वो परमात्मा है या जीव है, क्वेश्चन आएगा ना, परमात्मा की आपने बात की थी कि जी की, तो ये क्वेश्चन आ गया अर्जुन को, तो अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं। दूसरा उन्होंने पूछा अध्यात्म क्या है, क्या है अध्यात्म, तो एक्चुअली अगर आप उसको अध्यात्म, अगर आप उसको संधि तोड़ोगे तो अधि आत्म, अधि और आत्म को संधि कर दोगे तो अध्यात्म आ जाएगा, जैसे आप लोग संस्कृत अभी पढ़ रहे हो ना, सचिव को पढ़ा रहे हैं, तो अधि प्लस आत्म जब आप जोड़ोगे तो अध्यात्म हो जाएगा। तो आत्म के बारे में हमको बताइए, दैट विच सुपर इंटेंड्स द बॉडी
अध्यात्म का डेफिनेशन क्या है कि जो शरीर को सुपरिंटेंड यानी कंट्रोल करता है. तो इज इट ग्रुप ऑफ सेंसेस और ग्रुप ऑफ सटल एलिमेंट्स, कि क्या ये जो इंद्रिय है ये करते हैं या जो ये सूक्ष्म शरीर है ये करता है, ये पूछ रहे हैं. ये उसका सोच है. कर्म, इज इट द डे टू डे एक्टिविटीज और एक्शंस प्रिस्क्राइब्ड बाय वेदर्स. जो कर्म मैं पूछ रहा हूं अर्जुन कह रहे हैं, क्या वो डे टू डे एक्टिविटीज है जो हम रेगुलर करते हैं, ये वाले कर्मों की बात हो रही है, और एक्शंस प्रिस्क्राइब्ड बाय वेदर्स, यार वेदों में जो बात की गई है, एक्शन की गई, कर्म योग दिया गया है, वो है. क्योंकि कर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है. कर्म का अर्थ होता है आपका एक्टिविटी, कर्म का अर्थ होता है पुण्य, कर्म का अर्थ होता है आपके रिएक्शंस, कर्म का अर्थ होता है जब आप भगवान के लिए कुछ कर रहे तो उसको भी कर्म कहा गया है. कर्म का दूसरा अर्थ है नॉर्मल पुण्य, जो हम पुण्य करते दूसरों के लिए, उसको भी कर्म कहा गया है. तो क्वेश्चन है, जब आप कर्म कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? क्या डे टू डे एक्टिविटी की बात हो रही है? हम बोलते ना, अरे तो तुम्हारे कर्म है, ये तुम्हारे कर्म है, मतलब क्या रिएक्शन है, ये तुम्हारे बुरे जो तुमने किए थे ना वही वापिस लौट रहे हैं. कई बार हम बोलते हैं वाह क्या कर्म किया है मुझे आपने, मतलब आपने अपने जो दायित्व है कर्तव्य है उसको निभाए, वो कर्म हो गए. समझ रहे हैं? जैसे कर्म होता क्या है, थोड़ा पूछ देता है. जैसे कोई चीज है, जैसे ये स्वभाव है हमारा, स्वभाव, ठीक है. मैं इसको ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा. क्या अगर आपका स्वभाव है, स्वभाव यानी भौतिक स्वभाव, आध्यात्मिक की बात नहीं करो, इस स्वभाव से आपको इस संसार में किसी चीजों के प्रति आसक्ति हो जाएगी. क्या जाएगी? आसक्ति. आसक्ति आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो इसको बोलते हैं आसक्ति. आसक्ति आ जाएगा ना, अन्यप आ जाएगा. गीता मतलब क्या है मालूम है? ध्यान से देख के कर दिया, ध्यान से देखना है क्या क्या है और उधर हम कहाँ फंसे हैं, वहां से निकलना है. तो आसक्ति हो जाएगी किसी चीज का, हम स्वभाव से हमें लगाव हो जाएगा, आसक्ति आ जाएगी. आसक्ति आएगी तो उसको प्राप्त करना है अगर आपको, तो आप प्राप्त करने के लिए कार्य तो करोगे, लेकिन अगर उसका जिम्मेदारी नहीं लोगे तो और भड़बड़ 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 करके फंसते जाओगे. लाइक आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड रह चाहे तो फिर शादी भी करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा तो जो बच्चे होंगे उनकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा. आजकल के लोग यहाँ से यहीं तक एंड हो जाते हैं, उसके आगे वो जिम्मेदारी नहीं लेते. लेकिन धार्मिक शास्त्र क्या कहते हैं, आप इस संसार में हो ना तो आपको आसक्ति है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको स्वीकार करो, लेकिन उसके उससे आने वाले जो दायित्व हैं उनको करो. क्या हो गया? ड्यूटी. समझ में आया? इसके लिए जब तीसरे अध्याय में बोलते हैं ना कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी, वो यहाँ आ गया. जो स्वभाव से ब्राह्मण बुद्धि का है वो स्वभाव से धार्मिक चीजों से लगाव रखेगा, उससे उसे आसक्ति होगी, लेकिन उसमें उसको दायित्व लेना पड़ेगा, उसको जिम्मा लेना पड़ेगा. अगर कोई क्षत्रिय है उसको पावर चाहिए, कंट्रोल, एकदम तलवार और लेके उसको फोटो चाहिए, कोई दिक्कत, उसको आप आसक्ति हो गया, आपको भौतिक पावर से आसक्ति हो गई, उसके दायित्व है. तो आप राजा बनना चाहते हैं या कुछ भी पद में बनना चाहते हैं तो उसके नियम है वर्णाश्रम की, उसको पालन करो. तो पालन करोगे तो मुक्ति का चांस बना रहेगा, और नहीं करोगे तो घोर पाप घुआएं 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 भरते रहेगा, काले डब्बे में मर जाने, घंटे में जाके खुद गाड़ देंगे. तो निकल सकते हो अगर तुम दायित्व कर रहे हो तो आप ऐसे ब्रिंक पे हो कि मिल भी गया, और जब ऐसा लगे कि निकलना चाहिए तो आप निकल भी सकते हो. इसलिए लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य करते रहो. अगर तुम आसक्त भी हो तो कहां से आसक्ति आया? तुम्हारे स्वभाव से. और तुम्हारा स्वभाव कहां से आया? पिछले जन्मों के कर्मों से, पिछले आने के नहीं, जन्मों का जो कोटा है उधर से, उससे आपका स्वभाव बना है. तो अब इस स्वभाव को भी बदलना है, तो दायित्व लोगे तो स्वभाव बदलेगा. जैसे क्या करते हैं, जिसका शादी लड़का बदमाश है, मारा पीटी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, गांजा फूंक रहा है, बेकार है, कोई काम नहीं, कमा के लाता नहीं, फिर क्या करते हैं लोग?
बोलते गांव में क्या बोलते इधर इसके शादी करा। तो शादी में तो लोग नाचते हैं भूर टाम टाम डिंग डोंग सब नाचते हैं, सब गॉगल वॉगल पहन के आते हैं नाचते हैं। उसको समझ में नहीं आता, लेकिन तभी वो भी उस गुंगी में शादी तो कर लेता है। शादी करता है तो उसको एक फ्री में पैकेज मिलता है, जो पहले तो उसको लगता है ओ माय गॉड मैं कितना गुदगुली होते रहता मेरा शादी हो गया, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि इतना आसान नहीं है। अब सब बोलते हैं है शादी किया बच्चा भी बच्चा संभाल ले सकता है, अब उसके ईगो हर्ट होता है तो हमारा भी वो चाह नहीं संभालेंगे, तो बेचारे को गधे की तरह काम करना पड़ता है। वो आया कहां से? स्वभाव से आया आसक्ति, आसक्ति से आया कर्तव्य, और कर्तव्यों को ये तो ड्यूटी नास्तिक आदि भी कर लेगा इधर तक। ये स्वभाव तो नास्तिकों को भी होता है, ये भी नास्तिकों को होता है, ये भी नास्तिक कर सकते हैं, नास्तिक भी ड्यूटी करते हैं। साइंटिस्ट है वो टाइम पे अपना यार जो जॉब है वो करेगा, तो ड्यूटी है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसको धार्मिक रूप से करोगे शास्त्रों के माध्यम से तो ये बन जाएगा कर्म, समझा? और यही कर्म जब आप गुरु के निर्देशन में करोगे तो बन जाएगा धर्म, और यही धर्म करते 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 जब आप आध्यात्मिक स्थितियों पे पहुंच जाओगे करते करते आ जाएगा। इसका नेचर है, जैसे पूरी कच्चा पूरी है बेलते हैं हम लोग, तेल में डालते हो कहाँ जाता है? अगर ये कढ़ाई तो पूरी पहले डालिएगा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। आज थोड़ी देर बाद कहाँ आएगा? इस तेल है तो इसके ऊपर आएगा। तुमने ऊपर लाया क्या? नहीं। वो प्रोसेस ही ऐसा है कि तेल गर्म है तुमने अंदर डाला उसको लगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने क्लास दिया था तो एक सांप आए थे, इस बार कोई और प्राणी आए 84 लाख जोने में कोई तो आए क्लास सुनने आए। हाँ हो जाएगा, इसका भी उत्तर हो जाएगा, सुनेगा ना चटाई फेंकना पड़ेगा जाएगा इसे लिए चलो कोई बात नहीं चला जाएगा, चलो नाश्ता बना लेगा वो गोल गोल घूम रहा है उसको रास्ता नहीं मिल रहा है गलती से आ गया, कोई बात नहीं बैठो 84 लाख जोने में एक जोनी जो है यहाँ भटक रहा है, कोई दिक्कत नहीं परिक्रमा मार दो प्रदक्षिणा की है। हरे कृष्ण आप एक चला गया उसको रस्ता पटा के ठीक चलो। तो जब यही स्वभाव से उत्पत्ति होती है आसक्ति, आसक्ति ऐसे आता है कर्तव्य, कर्तव्य से आता है कर्म, कर्म से आता है धर्म। अगर आप इन कर्तव्यों को करते हो भगवान मानते हो नहीं मानते हो आपको मनुष्य माना जाएगा कि भाई मनुष्य की तरह रह रहे डिसिप्लिन में रह रहे, ये करोगे तो आप जो है शास्त्रों के रास्ते पे चल रहे हो वर्णाश्रम के भाव बन जाओगे, और ये करोगे तो आप बन जाओगे शिष्य, किसी के शिष्य बन जाओगे, हाँ मैं गुरु के आदेश में ये अपना जीवन जी रहा हूं मैं पार हो जाऊंगा। और ये धर्म जब आप पे उबल आ जाएगा जब आपको समझेगा कि ये यही हाईएस्ट नहीं है, वर्णाश्रम तो है सब कर रहा हूं पर एक्चुअली कर किसके लिए रहा हूं? मेरा आसक्ति के लिए, और ये आसक्ति के लिए करने में इधर आया और मिला कुछ नहीं। जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी था, वो एकदम कोपिनधारी ब्रह्मचारी था, बस कोपिन पहनता था भजन करता था और किसी से कोई मतलब नहीं। एक दिन क्या हुआ उसका चूहा जो है कोपिन काट दिया, तो बोला अरे ये क्या है, फिर दूसरी बार डाला फिर कोपिन काट दिया उसका लंगोटी जो है कोपिन मतलब लंगोटी तो काट दिया, ये बोला अरे यार ये चूहा काटता है तो मुझे एक बिल्ली रखना पड़ेगा, तो उसने कोपिन से आसक्ति होने के कारण एक बिल्ली रखा। उस बिल्ली को रखने के बाद वो बिल्ली जो है उसको दूध चाहिए तो उसने गाय रखा। अब गाय रखा तो गाय संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो बाहर से लाएंगे तो पैसा चाहिए तो है नहीं उसके पास, तो विवाह कर लिया कि एक माता जी रहेगी तो गाय संभालेगी। अब वो गाय संभाल के क्या संभालेगा? कोपिन, बेसिकली कोपिन के लिए कहाँ पहुंच गया? शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। तो आपकी आसक्ति आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है, तो कर्म से बनेगा धर्म, और धर्म से जब उबाल आ जाएगा तब व्यक्ति जो है
आध्यात्मिक मार्ग को चुनेगा, यानी समर्पण करेगा। किसको? भगवान को समर्पण करेगा, भगवान को। अब इसके बीच में अगर इसकी विचारधारा, भगवान अद्वैती है यानी भगवान निराकार है, ब्रह्म स्वरूप है, तो ये समर्पण उस प्रकार करके वो उस गंतव्य में जाएगा, वो ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्म ज्योति में जाएगा। अगर वो यहाँ समर्पण करके ध्यान धारणा करके बोलते बस हो गया यहाँ का, वो निकलेंगे तो योग मार्ग से निकलेगा। अगर वो भक्ति स्वरूप से समर्पण कर देने, भगवान को ईश्वर स्वरूप मानता है, जो नवे अध्याय से चालू होगा, इसके बाद नवे अध्याय से बारहवें अध्याय जितना भी श्लोक है ना, वो उस भक्त के बारे में बात होगा, योगियों के बारे में बात ही नहीं होगा, वहां योग मतलब भक्ति हो। तो ये समर्पण करेगा, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन यहाँ आसक्त था किससे? अपने परिवार से, जो भी है भाई है मेरा, नहीं मारेंगे, दुर्योधन हमको मार देगा, हम नहीं मारेंगे, डायलॉग मार रहा था आसक्ति। तो भगवान क्या बोले, पहले पहले क्या बोले, ठीक है तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, युद्ध करो, हार गए तो हार गए, स्वर्ग मिलेगा, मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, क्षत्रिय को तो स्वर्ग मिलता है, जीत गए तो भाई यही जो तुम चाहते थे वही मिल जाएगा, फिर तुम सब ठीक कर देना। बोला नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ लगा। तो भगवान ने उसको फिर कर्म सिखाया कि कर्म होता क्या है, वो एक्टिविटीज करो जो तुम्हारे लिए डिफाइंड है और हिसाब से करो। फिर धर्म सिखाया कि इसको भगवान से जोड़ो, तद्विधि प्रणिपाते न, जाओ उन गुरुओं के पास जाओ, उनके आगे का अंतर काम करो। और फिर लास्ट में भगवान ने क्या कहा, जब इतना होने के बाद भी, पूरा ज्ञान फेल देने के बाद भी अर्जुन जब 18वें अध्याय में परेशान हो गया, 18वें अध्याय में वापस अर्जुन दो बार परेशान होता है, पहले अध्याय में और फिर 18वें में, पूरा सुनने के बाद। आदमी जितना पहले कंफ्यूज नहीं होता ना, उतना ज्ञान सुनने का कंफ्यूज होता है, अभी और ज्ञान लेके तो और समझ में सब करना पड़ेगा। तो समर्पण भगवान फिर बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये सब धर्म कहां से आते हैं, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, भौतिक धर्म, ये सारा जो धर्म तुम्हारा कर्मों से इतना इतना से जो बने वाला धर्म, तो एक धर्म नहीं है। अब यहाँ तुम जो पति हो तो पति वाला आ जाएगा, यहाँ तुम राजा हो वो वाला आ जाएगा, तुम गुरु जो हो ये आ जाएगा, तो अनेक रोल्स है ना, तो अनेक धर्म बन जाते तुम्हारे तो। और वो कालखंड से धर्म आते रहेगा, सुबह के समय है तुम गुरु जी हो तो गुरु जी बनना पड़ेगा, बाद में ऑफिस में बैठे तो ऑफिस मैनेजर बन जाओगे, सामने वाले से फिर गुरु जी से बात नहीं कर सकते, आपको मैनेजर देखना पड़ेगा भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सरकारी रूप से सब ठीक ठाक चल रहा है। कुछ टाइम आगे नहीं बोलते प्रभु जी गीता में तो ये लिखा था, मांगे भाई ऐसे उस टाइम में गुरु जी की तरह नहीं जा सकते हम, उस टाइम वो अलग रोल में, तो धर्म बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि वो समय आएगा जब मैं पुकारू, जब तुम्हें मेरी याद आए, तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान एक धर्म तो है ना, कितने सर्वधर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अगर इसको छोड़ने के बाद इसके भी इसमें करते हुए भी पाप होंगे होंगे ना अपने आप, तो ये द्वंद्व है। अगर आप 100 रुपए ला रहे हो मतलब किसी का 100 रुपए ले रहे हो, उसका तो कट कम कर दिया, कुछ तो आपने लिया दिया ना, तो एक्सचेंज वैल्यू है वो, तो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं तुम्हारे सब पापों को भी दूंगा। अहम त्वाम, अहम मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं अर्जुन, मैं अहम, अहम त्वाम तेरा, सर्व पापेभ्यो सभी पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पापों को दूंगा, तुम चिंता भी मत करो, मा शुचः, चिंता नहीं करो मैं। तो ये भगवान का आश्वासन, ये आगे समझ में। तो अर्जुन कह रहे हैं प्रभु ये ब्रह्म क्या है, ये कर्म क्या है, आदि भूत कहा है जहां सब रहता है, आदि देव ये कौन है, प्लीज बताइए। तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं उनको कि आदि आत्मा, दैट विच सुपर इंटेंड्स द बॉडी, इज इट ग्रुप ऑफ सेंसेस, क्या वो शरीर के इंद्रिय हैं या सूक्ष्म एलिमेंट्स है। सूक्ष्म यानी हमको मालूम है ना, हमारे 5 स्थूल होते हैं, 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में पढ़ा ना, भूमि रपो अनलो वायु कम मनो बुद्धि रेव च, और 3 अंदर अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो अर्थ वाटर फायर एयर इधर का ऊपर का शरीर होता है, अंदर में होता है माइंड इंटेलिजेंस होगा। तो ये की बात हो रही है कि इसकी बात हो रही है प्रभु, आदि भूत मतलब आपको बताइए, आदि आत्मा सॉरी। कर्म इज इट डे टू डे एक्टिविटीज, क्या वो रोजमर्रे की काम है या कोई एक्शन प्रिस्क्राइब बाय वेदास है,
ये है कि ये है क्या है, ये है कि ये है, ये है क्या है, भाई हमको बताइए। आदिभूत दैट विच रूल्स, आदि यानी अधि यानी जो पहले रूल करता है, भूत द लिविंग एंटिटी जो जीव को रूल करता है यानी उसका नियम बनाता है, वो क्या है। डज इट रेफर टू एलिमेंट सच एज पॉट्स और ग्रॉस बॉडीज ऑफ जीवर्स, तो क्या ये बाहर के जो पदार्थ हैं, जो संसारिक पदार्थ हैं, ये या उसका शरीर क्या है वो हमको बताइए। आदि दैवम इज इट मेडिटेशन ऑन देवताज और यूनिवर्सल फॉर्म, ये दैव जो है वो आपका यूनिवर्सल फॉर्म है कि वो ये मेडिटेशन है देवताओं पे, जो देवताओं पे जो ध्यान लगाते हैं, ये बताइए। फिर हमने अभी दूसरा सुना क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं आदि यज्ञ ही हु प्रिजाइड्स ओवर सैक्रिफाइस, क्या वो इंद्र है कि विष्णु है। आदि यज्ञ जो है, आदि यज्ञ वो कौन है, क्या वो इंद्र है क्या विष्णु है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रूलर ऑफ सैक्रिफाइस, इसका जो स्वभाव है वो क्या है हमको बताइए। प्रयाण काले हाउ आर यू टू बी नोन एट द टाइम ऑफ डेथ, अंतिम समय में आपको कैसे समझा जा सकता है। अच्छा टाइम बताना, मैं घड़ी इधर देखता हूँ, 12:40। मधुसूदन, यहाँ पे मधुसूदन कहा है इसलिए कि वो कह रहे कि हाँ क्योंकि मधुसूदन, मधु जो थे एक असुर था, मधु कई टभारे, उसका हत्या करने वाले मधुसूदन, तो डाउट था, वो डाउट को रिजेंबल करता था, तो जो डाउट को मार सकता है वो व्यक्ति वो मधुसूदन है। तो मेरा ये जो डाउट है ये आप मारिए। और दूसरा इसका कारण ये है कि व्हाट इफ अ डिवोटी फॉरगेट्स लॉर्ड, अगर कोई भगवान को भूल जाए ड्यू टू डिसरप्टेड बॉडीली फंक्शंस एंड माइंड एट द टाइम ऑफ डेथ। ये प्रयाण काले के बाद मधुसूदन आया ना, तो कह रहे हैं कि हे मधुसूदन मुझे ये बताइए, प्रयाण काले अगर कोई आपको भूल गया तो आपको हो सकता है पूरा दिन जिंदगी करे बाद भूल जाए, तो इन सवालों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किंग कुलशेखर, राजा कुलशेखर जो हैं वो गाते हैं, उनका स्तोत्र यहाँ आता है उस संदर्भ में। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आदेव्यमे विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण मेरा जो मति है उस हंस की तरह रखे जो तालाब में घूमते रहता और यहां भटकता नहीं है, तो अंत समय में मेरा भी जो कंठ में कफवात पित्त आ जाएगा, तभी मेरे पास यही विद्या कि मैं आपको स्मरण करता हूँ, यही मेरे काम आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा श्लोक लेते हैं। अब भगवान जो है वो जवाब देंगे। ऐसा करेंगे, इसका बड़ा डायग्राम है, चलो हम बना लेंगे। श्लोक तीसरा, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवो कारो करो विसर्गः कर्म संहितः। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड, भगवान ने कहा द इंडिस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन। अक्षरम ब्रह्म परमं, अक्षरा ये जो जीव है ये ब्रह्म है और ये परम है। परम मतलब एक परब्रह्म अलग होता है, परम है मतलब इस भौतिक संसार से परे है, जिसका सातवें अध्याय में भी एक श्लोक है। कौन सा, कौन बताएगा ऑनलाइन में से, सातवें में बताया है इसके बाद वाला, ये 7.4 है, 7.5 में बताया है। अपरे आमितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाभावो ययेदं धारयति जगत। जब मैं 7.5 बोलूं तो तुम्हारे गीता में हाथ देकर फटाफट 7.5 खुलना चाहिए, वो
खोजो, आता है खोजना, इसको सिखाओ कैसे 7.5 खोजते, सातवा अध्याय कहाँ खोजते, अध्याय कहाँ लिखा होता है, श्लोक कहाँ लिखा होता है, ठीक है। तो सात सातवें अध्याय का पांचवा श्लोक खोलो, देखो क्या बोल रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपरेयाम, इस अपरा शक्ति यानी संसार की शक्ति में, अपरेयाम इतस्तु अन्यम, एक और शक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति छोड़ दो, छोड़ दो, सिखा देना बात, प्रकृति विद्धि में पराम ही, प्रकृति विद्धि में पराम, इसमें एक परा प्रकृति का भी जीव है, प्रकृति विद्धि में पराम, जीव भूत महाबाहो, हे महाबाहो, उसे क्या कहते हैं, जीव, जीव भूत महाबाहो, यही दम धारे जगत, वही जगत में फंसा पड़ा है वो इससे बड़ा पावरफुल, लेकिन कहां फंसा है, इस संसार में फंसा है। तो हाँ, तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, तो आदिभूत यानी कौन उसको रूल करता है, अधिभूत उस जीव को, उस ब्रह्म को कौन रूल करता है, तो कह रहे हैं स्वभावम, द इटरनल नेचर इज कॉल्ड अध्यात्म, तो उसको जो है द सेल्फ, उसका जो शाश्वत स्वभाव है, ये जो स्वभाव है वो कर्मों से आया है और वो बदलते जाएगा, बदलते जाएगा, ये बदलते जाएगा, क्योंकि वो जैसे जैसे उसको अनुभव आता रहेगा ना, अरे मुझसे तो ज्यादा ये खुश है तो कैसे खुश है, चलो इसे समझेंगे, तो फिर वो स्वभाव बदलने की कोशिश करेगी, ये बदलेगा, लेकिन एक स्वभाव नहीं बदलेगा, वो आत्मा का है, ये जो स्वभाव है वो भौतिक स्वभाव है, वो इन चीजों से आया हुआ है, इनसे और इनसे, आत्मा का स्वभाव अलग है, तो उसको कहते हैं अधि आत्मा। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल बॉडीज ऑफ लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड कर्म और फ्रूटिव एक्टिविटीज, और अपने शरीर के से रिलेटेड कार्यों को करने वाले कार्य को क्या कहते हैं, कर्म, अपने डेवलपमेंट को, समझा, इसके अनुसंधान में लिए हुए क्रियाएं। अब वो अलग जोक है कि इधर जीव करता ही कुछ नहीं है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, वो बैठा रहता है, उसका स्वभाव है, वो इच्छा करता है, फिर वो क्योंकि उसके कोटा में है वो होने लगेगा। मैं करता हूँ, चलो ठीक है, इट्स कॉल्ड दिस, ठीक है। और चौथा श्लोक भी ले लेते हैं, वैसे इसके दोनों के परपोट में एक साथ नोट नोट से पढ़ा दूंगा, पहले श्लोक लेके इसको पढ़ ले ताकि ये रख देंगे। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादि दैवतम अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देह भृतां वरा, ओ बेस्ट ऑफ एम्बॉडीड बीइंग्स, हे सब में श्रेष्ठ, द फिजिकल नेचर विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज कॉल्ड अधिभूत मटीरियल मैनिफेस्टेशन, हाँ ये जो संसार फिजिकल आपको दिख रहा है सारा, ये बदलता है, जो जीव को प्रवृत्त करता है कुछ करने के लिए, उकसाता है, उसको बोलते हैं द मटीरियल मैनिफेस्टेशन, इसको बोलते हैं अधिभूत। द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इंक्लूड्स ऑल डेमिगॉड्स लाइक दोज ऑफ सन एंड मून इज कॉल्ड अधिदैव। अर्जुन ने क्या पूछा, कि देवता है कि आपका यूनिवर्सल फॉर्म है, तो कह रहे वो जो यूनिवर्सल फॉर्म है ना वो अधिदैव है, यानी इस प्रकृति का दैव माना गया है, विराट रूप अगर आप दूसरे स्कंद में भागवतम के पढ़ेंगे तो पता चलता है कि आंख है, चंद्र ये है वो है, सब सब कुछ सबसे जुड़ा हुआ है, हमने उसको अध्ययन किया था, तो वो अधिदैव, उसमें सब देवता भी आ गए, एक देवता की करने की जरूरत नहीं है, उसमें सभी देवता अपने आप आ गए। आई द सुप्रीम लॉर्ड रिप्रेजेंटेड एज द सुपर सोल इन द हार्ट ऑफ एवरी एम्बॉडीड बीइंग एम कॉल्ड अधि यज्ञ द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, मैं स्वयं जो सबके हृदय में परमात्मा रूपी हूं, मैं क्या हूं, अधि यज्ञ हूं, मैं सबका चीज जो भी आता है वो लेता हूं मैं। और ये कौन से श्लोक में कहा गया है, पांचवें अध्याय के कौन से श्लोक में कहा गया है, कौन बताएगा, पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, बोलो
पांचवा अध्याय का आखिरी श्लोक खोलो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि मैं भोक्ता हूं, आप भोक्ता नहीं हो, आप सोचते हो आप भोक्ता हो, लेकिन भोक्ता मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप सब कुछ का भोक्ता मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का मैं ईश्वर हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी के हृदय में मैं परमात्मा रूपी हूं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अगर कोई ये बात जान जाए तो मुक्त हो। तो ये यहाँ पे कहा है, तो मैं थोड़ा नोट्स से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोनों एक साथ हाथ में पकड़ नहीं सकते, इसलिए प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, यथेच्छा से तथा करो, आपकी जैसी इच्छा है वैसे करिए। ओके, ये तो मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। तो ये वजनदार है, बहुत ज्यादा मोटा है। अब वो मेरा ही नोट्स है, अब वो मेरा ही भार मुझे उठाना पड़ेगा। इसको 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 लिखना है, लिख लेंगे। कुछ कोई बात नहीं, आप जज मत करो, मैं टीचर हूँ, तुम नहीं, तुम स्टूडेंट हो, उनको दुख करने का कारण नहीं। ये फिर तुम्हारा आसक्ति हो जाएगा और इससे फिर तुम्हें वो करते हुए फील होने लगेगा, फिर तुम उस हिसाब से कर्म करोगे, ऐसे वाक्य बोलोगे जिसका परिणाम तुम्हें भोगना होगा। ठीक समझ में आया ना, ये बात समझ में आया लाइन? इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य को भी कर्म कहते हैं। अपना कर्म करो, तो ड्यूटी है ना, ड्यूटी कर्म है, आसक्ति है, तो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करोगे तो एनिमल हो जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे तो ह्यूमन हो जाओगे। उसको धर्म शास्त्र से जोड़ोगे कर्म होगा, गुरु के आदेश में करोगे धर्म हो जाएगा। ऐसे करोगे तो पूरी छन जाएगी तुम्हारी, फिर वैसे ही काम करना है, पूरी को तेल से निकलना है। सर धर्मान फिर तेल, सभी तेल छोड़ के बाहर। चलो कई बात। तो पहला ब्राह्मण, प्रभुपाद के परपोर्ट्स और आचार्य को कमेंट्रीज को मिला के मैंने जो नोट्स बने उसमें से आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ जाएगा, है ना? ये नोट्स में स्कैन करके, हाँ ये ऑलरेडी है, कुरु श्रेष्ठ को बोलना सब गेट को भेजेंगे, सारे 18 अध्याय के 18.20 थे, बाद में थक गया था लिखते लिखते, थक नहीं गया था, समय नहीं मिला था किसी का। एनीवेज कोई बात नहीं। ब्राह्मण, इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इटरनली एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन नॉट चेंज एट एनी टाइम। ब्राह्मण का मतलब है अक्षरा, इसको पोज देता हूँ, ठीक है? इसको अक्षर भी कहा है, श्लोक भी क्या कहा है इसको? अक्षर, अक्षर, अक्षर मतलब जो कभी क्षर ना आया होगा, खत्म नहीं होगा, इसलिए बोलते ना को खो गो ग, ये क्या है? अक्षर है, कभी खत्म नहीं होंगे, उमूली है। तो ये जो ब्राह्मण की बात हो रही है, ये जीव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जीव यानी मैं लिविंग एंटिटी है, लिविंग एंटिटी है, जीव की बात हो रही है। ठीक है, जिसको इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इटरनली एग्जिस्टिंग, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा, जीव का स्वरूप कभी बदलता नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहता है। भौतिक पदार्थ बदल सकता है, जो अभी लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा, जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाएगा, पत्थर है वो पानी बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ये सब बदलते सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। जीव का स्वरूप जो है वो चांदे उपनिषद में 8 चीजें बताई गई है, वो जीव के स्वरूप के साथ होती है, कभी नहीं बदलती। तो और ये ब्राह्मण है, परम ब्राह्मण क्या है? भगवान है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण की बात हो रही है, तो ब्राह्मण की बात किसकी हो रही है? जीव की बात। भगवान अपनी बात उसमें क्यों करेंगे ना, उद्धार के लिए, तो जीव की उद्धार की बात करेंगे। इन क्लैरिटी क्यों कर दिया है, वो पूछ क्यों रहा है? कल कोई भी ज्ञानी आदमी, देखिए ब्रह्म की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही। अर्जुन भी बहुत स्मार्ट है, पूछ लिया। अध्यात्म, अध्यात्म, इटरनल नेचर,
अध्यात्म क्या है? जो शाश्वत स्वभाव है ना भगवान का, सेवा करने का, लव एंड सर्व द लॉर्ड का जो शाश्वत स्वभाव है उसको बोलते हैं अध्यात्म। ठीक है, ये स्वभाव कौन सा है? जो आत्मा का है। किसका है? इसका स्वभाव, ब्रह्मन का स्वभाव, इटरनल नेचर, उसको कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन भी बोलते हैं, यानी उसका स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे पेड़ का टर्न ही है, ऐसा जैसा टर्न ही है, उसको ऐसा कर दो, खींच लो, फिर वो ऊपर चला जाएगा। ये समझो ये लाठी है, लाठी दिख रहा है, लाठी है, ये यहाँ से पकड़ा हुआ है, उसको कोई वहां से खींच ले ऐसा, तो छोड़ दे तो वापिस ऐसा हो जाएगा, बराबर। तो ये ओरिजिनल चीज है, वो बद्ध अवस्था में जीव जो है एक तरह से बिहेव करता है, तो उस बिहेवियर को लाने के लिए वर्णाश्रम है। जब वो जाग जाएगा, धर्म करने लगेगा, तो ये स्वभाव उसका आगे आने लगेगा, ये स्वभाव आगे आने लगेगा, तो वो मुक्त होने की बात करेगा, मुक्त होने की बात करेगा, तो फिर वो सब निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का साइकिल में आएगा, करते करते अंत में शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाएगा। समझ में? लंबा खेल है भैया, खेल सबसे नहीं होता। और इसका जो इंटरनल नेचर है वो है कॉन्शियसनेस। क्या है? कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग कहते हैं चेतना। और ये जो चेतना है ये दो दो तरीके से मैनिफेस्ट करेगी, बद्ध का है वो अलग, मुक्त का है तो अलग। तो बद्ध जो है अगर वो भौतिक है तो वो डोमिनेट करने का कोशिश करेगा, यानी खुद उस पर प्रभुत्व लाने का प्रयास करेगा। अभी लिखते जाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं प्रभुत्व। पर यहाँ पे रहेगा तो वो सेवा करेगा, क्या करेगा? सेवा करके मुक्त हो जाएगा, और ये डोमिनेट होके कर्मों के बंधन में फंसते जाएगा, और यही कर्म जो है यहां से वो कर्मों में आगे आ गया ना, आसक्ति का खेल आ गया ना। भौतिक होगा तो क्या आएगा? आसक्ति आएगा, आसक्ति आएगा तो क्या आएगा? खेल चालू, और फिर उसको वापिस अलग अलग जन्म लेने पड़ेंगे। और जो मटेरियल कॉन्शियसनेस है स्वभाव में ये खेलते रहेंगे, भौतिक स्वभाव में खेलते रहेगा, या आध्यात्मिक स्वभाव में मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है, आचार्य क्या करते हैं ना, हमारे ही सामने आर्ग्यूमेंट करके उसका आंसर देते, ताकि कोई और आर्ग्यूमेंट करे तो बता सकते हैं। तो कह रहे हैं कि 15.7 जिसमें कहा गया ममई वामशो जीव लोके जीव भूत सनातनहा, तो कोई कह सकता है कि ब्रह्म जो है वो जो ब्रह्म है वही जीव के स्वरूप में है, तो ऐसे कोई कह सकता है। तो ये जीव कौन सा स्वभाव की आप बात कर रहे हैं? तो इसका कहना है कि जीव को कहा गया ममई वामशो जीव लोके जीव सनातन, मेरा अंश वो कैसा है? सनातन अंश है, यानी अगर ये ब्रह्मन है और ये अंश है तो ये सनातन रूप से अलग भिन्नता है, ये एक हो ही नहीं सकता। समझ में आया? ये एकत्व को फोर्स तो कर सकता है पर ये होगा नहीं ना, है दोनों एक ही, तो इन मिक्स नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये वहां कह रहे हैं, इसलिए फ्रैगमेंट में फॉल टू मटेरियल वर्ल्ड नॉट द सुप्रीम लॉ। इसलिए ये भौतिक संसार में माया में आ सकता है, भले ही ये पराशक्ति है, पर तटस्थ होने के कारण माया में प्रवेश कर सकता है, ये नहीं गिरेगा, इसलिए इसको अच्युत कहा गया। क्या कहा गया है? अच्युत कहा गया है। ये श्लोक में भगवान को अच्युत बोला है, देखो तो तीसरे श्लोक में, इसी 8.3 में क्या कहा है भगवान को, क्या नाम पुकारा है? अरे पढ़ो ना, 8.3 बिना पढ़े एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता तुम लोग। 8.3 पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़े पढ़ो। श्री भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म
या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। नहीं ये इसमें नहीं कहा है, लेकिन वो कहते हैं इसलिए भगवान को अच्युत कहा गया, नेवर फॉल्स डाउन, एक्चुअली आगे आने वाला है, क्योंकि अर्जुन ने अच्युत शब्द से, आपको याद है पहले अध्याय के 21वें श्लोक में अच्युत शब्द इस्तेमाल किया, तो वो इस अच्युत को दर्शाता है कि वो तो भौतिक संसार में नहीं गिरते। Therefore, in Vedic literatures, living entity is referred as जीवात्मा एंड ब्रह्मन। इसलिए शास्त्रों में चाहे उपनिषद हो, वेदांत सूत्र हो, भागवतम हो, कहीं भी हो, कोई भी जीव को या तो जीव कहा जाएगा नहीं तो ब्रह्मन कहा जाएगा, पर ब्रह्मन नहीं कहते। तो इसलिए यहाँ पे वो पर ब्रह्मन नहीं बोले बाबा, क्या बोले हैं? ब्रह्मन, तो इसको रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने साइकिल बनाया, अगर आपको नोट्स मिले ना तो इसको कॉपी करके हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। उसे प्रभुपाद ने समझाया है कि यही ब्रह्म जीव जो है वो भौतिकता में जाएगा तो भोगने लगेगा, और भोगने लगेगा तो 84 लाख योनियां मिलेंगी जिसमें से एक मनुष्य का चांस है, उस मनुष्य में आएगा तो वहां से वो स्वर्ग जाने का प्रयास करेगा पुण्य करके, पुण्य करना है तो यज्ञ करना होगा, यज्ञ करेगा तब स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग करेगा तो उसको स्वर्ग से नीचे आना पड़ेगा, और जब वो नीचे आएगा तो वो धान्य में आएगा, धान्य से बारिश से धान्य में, धान्य से मनुष्य में, मनुष्य में वीर के रूप में गर्भ में जाके फिर मनुष्य रूप में आएगा। तो ये साइकिल है, तो ऐसा करेगा तो वो मटेरियल स्वभाव में जिएगा, और अगर आध्यात्मिक स्वभाव में जाएगा तो वो अपने स्वरूप में अध्यात्म यानी अध्यात्म स्वरूप में आ जाएगा। मुझे लगता है ये हम 8.3 ही ले रहे हैं ना। ठीक है, इसका जो बचा हुआ कुछ परपोट है मैं कर ले लूँ, ठीक है, टाइम हो गया है और इसको हम यहाँ होल्ड कर देंगे, बचा हुआ कर ले, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। हो गया क्वेश्चन भी है इसमें? अच्छा 10 मिनट्स क्वेश्चन है, टाइम निकल गया। यस प्रभु जी बोलिए, किसी को क्वेश्चन है? अभी अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसको हम लोग कल ले लेंगे, कल ही क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। आप सब कल क्वेश्चन पूछ लेना, आज ऑलमोस्ट हो गया है। हरी बोल, हरी बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम प्रभु जी।